हे गाइस, दिस इज प्रेम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आप पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और रायपुर की मोस्ट फेमस जगह है पुरखौती मुक्तांगन। तो अभी मैं खड़ा हूं पुरखौती मुक्तांगन के पार्किंग पे, और पीछे यहां पे हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या चीज़ें जो है देखने को मिलेगी। तो गाइस, सामने आपको नज़र आ रही होगी पुरखौती मुक्तांगन का एंट्री गेट है, और यहाँ पे है इसका टिकट काउंटर। तो यहाँ से हमें जो है एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है सोमवार बंद। गाइस, ये है टिकट हमारा, और यहाँ पे हम लोग चार लोग हैं, तो चारों का टिकट लगा है पर पर्सन यहाँ पे 30 रुपीज़। और ये है एंट्री गेट जहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और टिकट दिखाना है। तो यहाँ पे जो है हमें अपनी टिकट्स दिखाने हैं। तो हमारा जो टिकट है वो चेक हो चुका है। एंट्री करते ही आपको यहाँ पे एक चौराहा मिलेगा, देखिए ये है बैगा चौक, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पे है एक धनुधारी है, मसालधारी है, और ये जो है शिकारी लोग हैं, देख सकते हैं जो सामने भालू है उसका शिकार कर रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये चौराहा। और यहाँ पे जो है व्हील चेयर वगैरह की फैसिलिटी भी है जहाँ पे आप ले सकते हो। और इस साइड देखो, और पिछली बार आए हुए थे तो वहाँ पे कैंटीन वगैरह भी था, शायद कोविड के नाम से कैंटीन वगैरह बंद पड़ी है। और देखिए, तो गाइस अभी हम लोग बैगा चौक क्रॉस करके डंडा मीमाडिया पथ पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरत बना हुआ है ये स्ट्रेट, देख सकते हो। और आगे देखिए एक और चौराहा है, और यहाँ पे देखिए ये डंडा मीमाडिया पथ पे आने के बाद ना ऐसे जो है देखिए वाद्य यंत्र है जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में मांदर भी बोलते हैं, ये पकड़ा हुआ मिलेगा। और काफ़ी खूबसूरत सा है ये पिक्स, इस साइड भी देख सकते हो, इस साइड भी है, और ऐसे रास्ते के बीच बीच में ना आपको बैठने का भी मिलेगा। तो आप अगर चलते चलते थक जाओ तो मस्त यहाँ पर बैठ के आराम कर सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ बैगा चौक क्रॉस किए हैं, और यहाँ पे हम लोग एक और चौक पे आ गए हैं। और मैं आपको पहले से ही एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाह रहा हूँ कि ये जो पुरखौती मुक्तांगन है ना, ये सारी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ी कल्चर को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे हम एक कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ के कल्चर को बिलोंग करते हैं, या कोई देवी देवता को बिलोंग करते हैं। तो जितना मुझे मालूम रहेगा मैं आपको बताते ले चलूँगा, तो जो चीज़ मेरे से मिस हो जाती है ना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज, ये हमने बैगा चौक क्रॉस किया है, और ये एक चौक मिला है, मेरे ख्याल से ये जो है छत्तीसगढ़िया चौक है। यहाँ पे तो कहीं मेंशन नहीं है बट मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये छत्तीसगढ़िया चौक है। और ये जो चौक है ना, इस पे आते हैं तो आपको देखिए खूबसूरत सा यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पे मूर्तिकार आपको नज़र आएंगे जो पत्थर को काट के मूर्ति बना रहे हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे पिलर्स मिलेंगे, देखिए इस साइड काफ़ी सारे पिलर्स हैं, इस साइड काफ़ी सारे पिलर्स हैं, उस साइड ऐसे करके आपको चारों ओर पिलर्स मिलेंगे। और एक पिलर्स में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिलर्स पे भी कारीगरी आपको देखने को मिलेंगी, और ये जो कारीगरी है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी कल्चर को बिलोंग करते हैं। जहाँ पे एक पिलर्स पे अलग कारीगरी आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही दूसरे पिलर्स पे आपको अलग कारीगरी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ी चौक को यहीं छोड़ते हैं, अब हम लोग चल रहे हैं आमचो गांव की ओर। वहां पे लिखा हुआ है आमचो गांव, तो यहां पे देख सकते हो जैसे इस साइड पे एंटर करते हो यहां पे छोटी सी पार्क टाइप का मिलता है, और इस साइड भी देखिए उर्स कला। यहां पे चलते हैं, कुछ तो है आपको दिखाते हैं।
तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं उर्स कला पे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे पिलर्स आपको मिलेंगे, और ये जो पिलर्स है ना, ये बस्तर के मड़िया जनजाति के जो अंतिम संस्कार के बाद जो पिलर्स होते हैं वही है, देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे देख सकते हो मस्सी बनी हुई है, इधर भैंसा बना हुआ है, इधर जो है जंगली सुअर बनी हुई है, और यहाँ सामने में आपको रथ मिलेगा। तो ये जो रथ है बेसिकली जो बस्तर में एक मेला लगती है दशहरा का टाइम में 75 दिन का, वहाँ पे एक बस्तर के राजा का रथ यात्रा होता है, उसी का ये एक सिंबल कह सकते हैं इसको, जहाँ पे आपको पुरखौती मुक्तांगन में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ ये रथ, देखिए। गाइस अभी हमने स्मृति स्मारक देखा मड़िया जनजाति का, और उसके बाद हमने राजा का रथ भी देखा। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं आमचो गांव में, और जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो जगह है छत्तीसगढ़ कल्चर को बिलोंग करती है। अब हम लोग जा रहे हैं आमचो गांव में, जहां पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो जनजाति है उनका घर किस तरीके से रहता है, और रहते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके घर में हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें जो है हमने आमचो गांव में जाने के बाद मिलेगा। तो गाइस देखो यहाँ पे खूबसूरत सा गेट बना हुआ है, और इसको बोलते हैं सिंह डेहड़ी, जो जगदलपुर के राजमहल है ना उसका हूबहू यहाँ पे गेट बना हुआ है, देखिए। यहाँ पे कोई घर सा बना हुआ है, आपको दिखाते हैं नज़दीक चल के, और बाहर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखिए। और ये सारे जो है ना मिट्टी से बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये है बस्तर का दशहरा विधान चित्रण, ये देखिए। और बाकी सारी चीज़ें तो है जो मिट गई है, और जो बस्तर का दशहरा होता है ना वो 75 दिन तक मनाई जाती है, देखिए यहाँ पे। और ये जो है पूरा मिट्टी से बनी हुई है, ये अभी शायद मेरे ख्याल से नया है। तो गाइस ये देखने में मिट्टी लग रहा है, बट ये सीमेंट का है, कलर जो है वो पूरा मिट्टी का लगा के रखे हैं, इसलिए दूर से ऐसा लगता है कि ये मिट्टी से बना हुआ है, बट ये सीमेंट का है। और यहाँ पे आते हैं ना तो देखिए दीवार पे काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं चित्रकला जो है यहाँ पे। तो जो 75 दिन का दशहरा होता है बस्तर में, उसका यहाँ पे चित्रण आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको एक चक्कर यहाँ पे लगा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है रथ वगैरह निर्माण करते हैं, जैसे कि हमने पहले रथ देखा उसका निर्माण, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पहिए निर्माण हो रहा है उसके जो ऊपर में लगते हैं, और यहाँ पे देखिए पहिए जोड़ दिए गए हैं और ऊपर का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पे देखिए रथ को खींचते हुए नज़र आएंगे, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं शुरू से आखिरी तक जो कार्यक्रम होते हैं दशहरा का, वो चित्रण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है। अभी है हम लोग पोलंग मट्टा, ये जो है ये बस्तर का दशहरा वाला जो सेक्शन है ना उसके जस्ट बगल में है, तो उसके लिए हमें कुछ सीढ़ी यहाँ पे चढ़ के जाने पड़ेगी। तो ये वाला साइड जो है मेरा पहली बार है, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे गणेश भगवान विराजमान है, और नीचे पे कोई काम चल रहा है, और ये हूबहू जो दंतेवाड़ा का ढोलकर गणेश है वो बनाया गया, देख सकते हैं पहाड़ के टॉप में जो है गणेश जी बसाए हुए हैं। और अब जो है मैं आपको ये वाले हिस्से पे ले से चलूँगा। यहाँ पे है नारायण पाल मंदिर, और ये छिंदक नाग राजाओं के द्वारा 12वीं सदी ईस्वी में निर्मित ये मंदिर, देखिए। तो
गाइस ये अभी आ गए हैं हम लोग गोठुल। ये मड़िया जनजाति का ये पारंपरिक सांस्कृतिक केंद्र है। तो अंदर चलते हैं, अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी का ये दरवाज़ा बना हुआ है, जिसको हम लोग चौखट भी बोलते हैं, जिसपे ऐसे लकड़ी लगा के रखते हैं गाँव एरिया में जाओगे तो। और यहाँ पे देखो लकड़ी का बाड़ा लगा के रखे हैं। तो हूबहू ये ऐसे ही हमें बस्तर में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके से मड़िया जनजातियों का पारंपरिक सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता है। देखिए पूरा मिट्टी से बना हुआ। और देखिए यहाँ पे जो पिलर्स वगैरह है ना, उसमें भी आपको अलग अलग जो है कलाकृति देखने को मिलेंगी। इस साइड से थोड़ा सा डार्कनेस आ रही है, मैं इस साइड से दिखाता हूँ। देखिए ये इसमें पिलर्स में भी, सभी पिलर्स में अलग अलग तरीके की आपको देखने को मिलेंगे। देखिए तो ये हूबहू उसी तरीके के आप मॉडल है जो मड़िया जनजाति का होता है। और इससे जो है आप उनके पहनावे को अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक साड़ी, यहाँ पे धोती और कुर्ता देख सकते हैं, ऊपर में पगड़ी, और ये कुछ इस तरीके से उनका पहनावा हुआ करता है। यहाँ पे है धुरवा लेख, और ये जो है धुरवा जनजाति का गृह हुआ करते थे। यहाँ पे रहन सहन कुछ इसी तरीके से घर उनका बना करता था। तो यहाँ पे उनके बाहर का नज़ारा देख सकते हो। तो ये जनरली जो है गाय बछड़े वगैरह रखते थे, उनके लिए ऐसे ही कुछ बनाते थे। और ये सामने देख सकते हो ये चिड़िया वगैरह रखने के लिए, और यहाँ पे मचान है, और ये कुछ इस तरीके से ये घर हुआ करता था। और मैं आपको बगल में दिखाता हूँ जहाँ पे पुराने ज़माने में हमें देखने को मिलती थी ढेकी। तो ये हुआ करता था ढेकी। तो ये ढेकी चलाने के लिए ना इधर पीछे से आपको पैर चलाना पड़ता है यहाँ से। तो कुछ उस तरीके से वहाँ पे देखिए उस तरीके से कुछ यहाँ काम करता था। तो यहाँ पे अनाज रखते थे और इधर से जो है पैर लगाते थे। तो जो धान वगैरह होता था छिलका निकल जाता था और चावल बच जाता था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुटाई होती थी। अभी है हम लोग जात्रा गुड़ी के पास, और जैसे कि हम लोग हमारे गांव में बोलते हैं माता गुड़ी, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जनजाति का एक पूजा घर हुआ करता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये एक पूजा घर है जहाँ पे देवी देवता विराजमान है। देखिए हर जनजाति का अलग अलग देवी देवता हुआ करते हैं, और कुछ इसी तरीके से वो अपने देवी देवता को पूजा करते हैं एक घर में रख के। देखिए और इनके जो वॉल है, देखिए इस पे भी काफ़ी सारी कलाकृति आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सुंदर सुंदर स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं, जैसे कि इस पे देख सकते हो यहाँ पे मस्त एक झूला बना दिया गया है। देखिए काफ़ी खूबसूरत सा है, और घंटी वगैरह लगे हुए हैं। देखिए और ये जो है दशहरा रथ, यहाँ पे भी मस्त पुल करते हुए नजर आएंगे आपको खींचते हुए। तो गाइज अभी हम लोग ये वाले घर पे आए हैं, और ये कोई जनजाति है जो बिलोंग करते हैं इस घर को। यहाँ सामने में बोर्ड नहीं था तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट यहाँ पे मैंने घूमा तो एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखने को मिला। तो जैसे हम हर छत्तीसगढ़िया के घर में जहाँ पे गाय बछड़े वगैरह रखते हैं, ये चीज़ देखने को मिलती है। देखिए कोठना ये बनाई गई है, और ये है नांगर देख सकते हैं, और इस साइड है देखिए गुहाल है जिसको हम लोग कोठा बोलते हैं, जहाँ पे गाय बछड़े वगैरह रखते हैं। और यहाँ पे छोटी सी झोपड़ी टाइप का बनाया है जहाँ पे जनरली मुर्गी बत्तख वगैरह रखते हैं। और इस साइड में आपको पीछे साइड लेके चलता हूँ, मस्त यहाँ पे कुआं बना हुआ है, आपको दिखाते हैं इस साइड।
यहाँ पे छोटा सा कुआं बना हुआ है। तो ये जो है हूबहू मॉडल है गांव का, मतलब ये जो घर है ना, ये आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एरिया पे चले जाओ, मैं आपको बस्तर नहीं, दंतेवाड़ा नहीं, किसी भी एरिया पे चले जाओ, कुछ इस तरीके से आपको घर देखने को मिलेंगे। गाइस यहाँ पे है घानाशार पारंपरिक लौह निर्माण प्रदर्शन। तो ये जनरली हम कह सकते हैं लोहार का घर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोहा से किस तरीके से यहाँ पे औजार बनाई जाती हैं, जैसे कि टंगिया है यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, इसको भी नहीं पता, ये टंगिया है, बसला है, ऐसे काफ़ी सारे जो लोहा का चीज़ होता है ना वो बनाई जाती है। और ये देख सकते हो, तो गाइस ये है मातागुड़ी, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था ग्राम देवी देवताओं को पारंपरिक पूजा स्थल। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो खूबसूरत सा हाथी बना हुआ है। और ये है मातागुड़ी जो पारंपरिक ग्राम देवी देवताओं का पूजा स्थल। तो हाल फिलहाल मैं अपने गांव का मातागुड़ी आपको दिखाया था, कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। देखिए ये देखिए यहाँ पे देवी देवता विराजमान है, और ये सामने तरफ हॉल टाइप का है, यहाँ पे आके आप पूजा वगैरह कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये कोई सा तो घर है, कोई जनजाति का है, लेकिन एंट्री गेट पे क्या खूबसूरत ये घोड़े रखे गए हैं, क्या खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके जो वॉल पेंटिंग है ना वो दूर से काफ़ी आई कैची लग रही है, देखिए काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। और इसके पिलर्स भी काफ़ी कमाल के हैं, मटके जैसा शेप दिया गया है इसके पिलर्स, देखिए मटके ऊपर मटके, मटके ऊपर मटके, ऐसे कुछ पिलर्स इसका बनाया गया है। देखिए ये वाला भी, और सारे पिलर्स वैसे ही है। और अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे किसान है, देखिए किसान अपने हल को कांधे पे लेके चलते हुए, और यहाँ पे देख सकते हो ढेकी जो हमने पहले देखा। और ये वाले को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बट इसका काम मेरे को पता है, इससे रस्सी बनाते थे पहले, पहले हमारे दादा दादी भी इससे रस्सी वगैरह बनाते थे, और कुछ इस तरीके से हल हमारे घर में भी हुआ करते थे। देखिए काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग छत्तीसगढ़िया चौक और आमचू गांव को पीछे छोड़ते हुए अभी हम लोग चल रहे हैं जलप्रपात वाले सेक्शन पे। तो यहां से कुछ एक डेढ़ मिनट का ही रास्ता है जलप्रपात, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ है जलप्रपात वाला सेक्शन, इधर से हम लोग अंदर चलेंगे, और वो रहा हमारा छत्तीसगढ़िया चौक, और इधर है हमारा आमचो गांव। तो मैं आपको ले चलूँगा जलप्रपात वाले सेक्शन में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये जो है चित्रकूट वाटरफॉल का हूबहू मॉडल बना हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे बना हुआ है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इवनिंग पे म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह भी होता है। तो यहाँ पे देखो मस्त बैठने बैठने का जगह बना दिया गया है, इसमें बैठो और मस्त ये जगह का आनंद लो। और यहाँ से वाटरफॉल होता तो और भी मेरे को दिखाने में अच्छा लगता आपको, बट सूखा सूखा सा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो ये जगह। तो ये वाला जो जगह है इसको छोड़ के अब हम लोग सामने की तरफ चलते हैं, और देखते हैं कि सामने में और क्या चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे देखो कोई सा तो मूर्ति बना हुआ है, लेकिन काफ़ी खतरनाक सी लग रही है। देखो मुझे तो पता नहीं, आप में से अगर किसी को पता है ना तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कुछ सामने से इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जो है चित्रकूट वाटरफॉल की तरफ से आ रहे हैं, और यहाँ पे एक मस्त सा ये जगह मिला हमें, देखिए काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, और घास की कटाई हुई है ना जिसके कारण ये जगह अच्छे से लग रहा है। तो गाइस अब जो है मैं आपको छत्तीसगढ़ी ऑर्नामेंट्स जो छत्तीसगढ़ के श्रृंगार होते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ना बने हुए हैं,
ये जो है मेरे ख्याल से हाथ में पहनते हैं, इसको शायद कड़ा बोलते हैं। और उस साइड में आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना पैर में पहनने वाला है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और यहाँ पे देखो मस्त साटी बनी हुई है ये जो है, और वहाँ पे सामने पे देख सकते हो करधन का वो बना हुआ है जो कमर में पहनते हैं। और यहाँ सामने में लेडी है, लेडी का स्टैचू है जिसमें मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं हाथ में कड़ा है जो कि हमने यहाँ पे देखा, और पैर वाला जो है वो यहाँ पे हमने देखा, और यहाँ पे साटी है, और ये जो कान में पहने हुए हैं ना वो आपको इसके बगल में देखने को मिलेगा, या तो वो जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा, और करधन जो है वो आपको वहाँ दीवार पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ी ऑर्नामेंट कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ी अलंकार जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मड़िया खम्बा, ये आप जो सामने आपको पिलर्स नज़र आ रही है ये है मड़िया खम्बा। तो मड़िया जनजाति जो अपनी डांस कला है, जो डांस फॉर्म है, कुछ इस तरीके से जो पिलर्स पे परफॉर्म करते हैं उसको आप मड़िया खम्बा ये देख सकते हो, मड़िया पिलर्स भी कह सकते हो या खम्बा भी कह सकते हो। और सामने की तरफ चलते हैं जहाँ पर आपको अलग अलग डांस फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पंथी नृत्य का प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए आपको नज़र आएगा, और देखिए 1 2 3 4 चौथे में बैठ के ऐसे मांदर बोलते हैं ना वो बजा रहे हैं, और नीचे का देख सकते हो कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है पंथी नृत्य में। ये हो गया पंथी नृत्य। सो गाइस ये जो डांस फॉर्म है ना इसके नाम तो मुझे नहीं पता, बट इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। ये जो डांस फॉर्म है बेसिकली शादी वगैरह में किया जाता है, बेसिकली आशीर्वाद देने के लिए जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी खुशियों के लिए ये जो डांस फॉर्म है ये किया जाता है। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत सा ये लग रहा है, सामने लेडी रहते हैं, लेडी लाइन अप करते हैं, और पीछे ऐसे देखिए जेंट्स लाइन अप करते हैं बाजे के साथ, काफ़ी खूबसूरत सा ये लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कोई सा तो डांस फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेला नृत्य, देखिए काफी खूबसूरत सा लग रहा है ये। और इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप में से कोई जानता हो ना तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए काफ़ी खूबसूरत सा ये लग रहा है डांस फॉर्म, ये देखो बाजे के साथ इधर अलग अलग वाद्य यंत्र वगैरह हैं, लकड़ी वगैरह पकड़ के ये डांस फॉर्म किया जाता है, देखिए काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ऐसे बीच में जो मुखिया होते हैं ना वो डांस लीड करते हैं, उसके अगल बगल ये ऐसे आपको देखने को मिलेगा, देखिए काफ़ी खूबसूरत सा है। तो अभी जो है सुअनाज का टाइम आने वाला है, जनरली ये जो है दीपावली के टाइम पे करते हैं, और देखिए देख सकते हैं बीच में जो सुआ रखते हैं और उसके अगल बगल ऐसे महिलाएं लड़कियां डांस करती हैं। और ये जो डांस है ना ये दिवाली के टाइम पे किया जाता है, मतलब हाल फिलहाल में ये सुआ नृत्य आपको देखने को मिलेगा, दिवाली आने ही वाली है, देखिए काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है, ये है सुआ नृत्य। हमारे सामने है छत्तीसगढ़ का मोस्ट फेमस डांस फॉर्म राउत नाचा। तो अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली में ये राउत नाचा की जाती है, देखिए कुछ इस तरीके से जो राउत नाचा है वो किया जाता है, बीच में जो होते हैं वो दोहा करते हैं, दोहा के बाद जो है राउत नाचा होती है। तो ये हो गया, देखिए कुछ इस तरीके से ये राउत नाचा की जाती है। और अभी हम लोग सामने चलेंगे जहाँ पे गेड़ी वाला डांस फॉर्म है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये हो गया गेड़ी नृत्य जो मैं आपको दिखाने वाला था, और जो गेड़ी नृत्य है ना वो हम लोग हरियाली टाइम में करते हैं, और हमने भी बचपन में गेड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़े हुए हैं,
देखिए ऐसे बीच में गाना गाते हैं उसके जो इर्द गिर्द जो है गेड़ी डांस किया जाता है। और ये जो गेड़ी बना हुआ है ना ये बैम्बो से बनाया जाता है, बांस से बनाया जाता है, और उसके ऊपर चढ़ के जो है डांस किया जाता है। हमने बचपन में भी काफ़ी ज़्यादा गेड़ी चढ़ी हुई है। तो गाइज हमने जितने भी डांस फॉर्म थे यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सामने की ओर, और यहाँ सामने में आप देख पाएंगे यहाँ पे मुखौटा वगैरह बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ से नज़र आ रही है, जो कि मैं आपको नज़दीक लेके चलूँगा। और इसके बगल में ये देखिए मस्त सा पार्क्स टाइप का बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे बैठने वैठने का भी जगह जगह पे बना हुआ है, देख सकते हैं जहाँ से हमारे राहुल भाई आ रहे हैं। और ये जो जगह है ना काफ़ी खूबसूरत है देखिए, और इस साइड पे आपको मुखौटे देखने को मिलेंगे। तो गैज ये है मानिया तला और यहाँ पे लिखा हुआ है जनजातीय मुखौटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुखौटे ही मुखौटे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मुखौटे हैं और ये सारे जो है अलग अलग जनजाति के मुखौटे हैं। जैसे कि हमने मूवीज़ वगैरह देखा है जहाँ पे अलग अलग जनजाति शिकार करने या पूजा करने या कोई नृत्य करने के टाइम में मुखौटा पहनते हैं, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे जो मुखौटे वगैरह हैं वो नज़र आ रहे हैं। देखो काफ़ी खूबसूरत से ये मुखौटे लग रहे हैं। सेक्शन है उसके बगल में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मुखौटे टाइप का देखिए, ये सब जो है लोहे से बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बोर्ड था, बोर्ड भी हट गया है, अब मैं इसको आपको बता नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए लोहे से बना हुआ, तो ये भाई साहब जो है गेड़ी चढ़े हुए आपको नज़र आएंगे, वहाँ पे बीच में वाद्य बजाते जो बाजा मांदर बोलते हैं, और उधर जो है पिपड़ी बजाते हुए आपको पीछे में नज़र आएंगे। वैसे अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं डांस फॉर्म वगैरह वो यहाँ पे शो होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे वाद्य यंत्र वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, ये अलग यंत्र है, वो अलग है, वो वाद्य यंत्र अलग है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ये था पुरखौती मुक्तांगन, उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से दिखाया होगा, डिटेल में दिखाया होगा। वैसे तो काफ़ी बड़ी जगह है, एक वीडियो में ले पाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, अगर एक वीडियो में लेना तो 30 से 40 मिनट आई थिंक इसके लिए सफिशियंट टाइम होगा इस जगह को कवर करने के लिए। फिर भी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, अब देखते हैं एडिटिंग टाइम में कि ये वीडियो कितना लंबा होता है। ज़्यादा लंबा होता है तो थोड़ा सा झेल लेना वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें मिस भी करनी पड़ती है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो गाइस फाइनली जाके इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।